आधुनिक युग में भूत प्रेत की बातें बेईमानी लगती हैं, लेकिन सिंगरौली के एक 80 ग्राम में कई महिलाएं भूत प्रेत उतरवाने पहुंच गईं। इसके बाद गांव में भूत उतारने वालों का मेला लग गया और पुलिस को हस्तक्षेप कर इस अंधविश्वास के मेले को खत्म करवाना पड़ा। सिंगरौली के कठास ग्राम में अजीब घटना देखने को मिली, जहां एक साथ दर्जनों महिलाएं खुद पर भूत पिशाच चढ़ने होने की बात को लेकर झाड़फूंक कराने पहुंची। लोगों में अंधविश्वास ऐसा है कि इस खबर को सच मानकर सैकड़ों की तादाद में आसपास के ग्रामीणों ने भी ग्राम कठास स्थित पहाड़ी पर पहुंच गए। पता चला कि सोनभद्र के डिबुलगंज निवासी पानमती सिंह गौड़ बीते दिनों से अपने मायके ग्राम कठास आई, जहां उसने एक महिला के ऊपर भूत चढ़ जाने की बात कही और इसे उतारने के लिए उसने आज का दिन चुना। फिर क्या था, यह खबर जंगल में आग की तरह आसपास के ग्रामीण इलाकों में फैल गई और दूर दराज के लोग खुद पर से भूत भगाने को लेकर पहुंच गए। माहौल बिगड़ता देख स्थानीय सरपंच ने मोरवा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद निरीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा एक टीम भेजकर अंधविश्वासी लोगों को समझाया गया। इसके बाद भी कुछ महिलाएं नहीं मान रही थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद ग्रामीण अपने घर लौट आए और घंटों चले इस ड्रामे के बाद मोरवा पुलिस पानमती गोल्ड के थाने ले गई, जहां से कड़ी हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया गया। थाना मोरवा में अजगुड़ कठास नाम का एक गांव है जो आदिवासी बहुल है, वहां एक पहाड़ी पे कुछ महिलाएं जो है झाड़ फूक का काम कर रही थी और ये दो तीन दिन से उनका झाड़ फूक का जो है चौरा लगा हुआ था, उसमें काफ़ी महिलाएं इकट्ठी हुई थी और उनके भूत प्रेत भगाने का और कुछ ऐसी बातें अनुरोध की जिससे आपस में परिवारों में झगड़ा हो रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने उन सबको जो है बैठा करके समझाइश दी और झाड़ फूक के संबंध में और जो ये अंधविश्वास की बातें हैं इसके बारे में उनको समझाइश दी, जागरूक किया और वहां से उनको अलग किया सभी लोगों को। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।